है एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ये हमें प्रूव करना है। एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, दिस वी हैव टू प्रूव। तो ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी 90 डिग्री है भाई, और एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो मुझे प्रूव करना है कि जो एडी स्क्वायर है वो बीडी इंटू डीसी के इक्वल। अब कैसे करेंगे समझो, ट्राइंगल एबीसी है हमारा कोई भी, इसमें एंगल बीएसी 90 डिग्री है, जैसे ये रहा आपका बी ए सी, मतलब एंगल ए 90 डिग्री, और एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूव करना है कि एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। और देखो मैं तुमको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं कि कभी भी आपको प्रूव करना है ना इस तरीके से एडी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, समझना, आपको रफ में एडी स्क्वायर को दो बार लिख देना, एडी इंटू एडी बी डी इंटू डी सी, और किसी एक को नीचे ले आओ, एडी अपॉन बी डी, डी सी अपॉन एडी। ब्लूटूथ ऐसे लिख दो बेटा, उससे क्या आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से ट्राइंगल ले, कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं वो हमको पता लग जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अब बेटा ये एडी अपॉन बीडी ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, देखो ध्यान से, ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है? ट्राइंगल बीडीए एबीडी, ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है भाई, इससे बोलो ट्राइंगल एबीडी। और ये कौन सा बना रहा है बेटा? एडीसी। बस ये दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव कर दे, ऐसे पता लगेगा बेटा। समझ में आया सबको? और समझ में आ गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? एबीडी ट्राइंगल, एडीसी ट्राइंगल। अब देखो एबीडी और एडीसी मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करना है आपको। ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, थीटा है सपोज, तो ये कितना एंगल हो गया? हाँ, अरे यदि ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो बेटा ये कितना हो गया? टोटल 90 है ना, तो ये थीटा हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 90 माइनस थीटा। आया समझ में? तो अब मैं कैसे प्रूव करूंगा, देखो इधर, एन ट्राइंगल ए बी डी, एन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। इसमें कोई डाउट किसी को? दोनों एंगल 90 डिग्री है। फिर मैं बोलूंगा एंगल ए सी ए बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू थीटा। क्लियर बेटा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्लियर बेटा? सब बोलो। हाँ सर। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया सर? एस क्या नहीं, एंगल 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 सिमिलरिटी, ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल। अब मैंने क्या बोला था कैसे लिखेंगे? बीच वाला एंगल डी, फिर ए बचा बी, डी सी बचा ए, तो ट्राइंगल डी ए बी किसके सिमिलर हो गया? बोलो डीसीए। डीसीए अब डीसीए के इक्वल है, तो डीए अपॉन डीसी
इज इक्वल टू बी डी, ये लास्ट वाला ए डी और चाहिए, ए डी वाला ए डी स्क्वायर चाहिए, दो बार चाहिए, तो बी डी अपॉन ए डी हुआ कि नहीं हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया प्रूफ बी डी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, आ गया समझ में? यस सर। तो ये करने का तरीका होता है बेटा, कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएंगे तो, सबको क्लियर है ये? यस सर। हाँ सर। चलो अगला लेते हैं, एक दो प्रॉब्लम मेरे वाले बताने दो, फिर उसके बाद डाउट पूछना तुम्हें जो पूछना, पहले मैं मेरे जो बताना है वो मैं वो बता देता। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वो उसकी बात करेंगे अपन, और वो है एक सेकंड, एनसीईआरटी में तो है वो प्रॉब्लम, मुझे याद है। एक सेकंड रुको, मैं ढूंढ के बता रहा हूं। चलो यही लिखो, यही है मेरे हिसाब से। एक काम कर, पहले एनसीईआरटी के कौन सा क्वेश्चन बताना है ये बताओ तुम मुझे। गोविंद सर 6.3 का 8th। हां सर, इसमें डायग्राम नहीं बन रहा सर, क्या बोल रहा है बोल। हां क्वेश्चन 14। हां बेटा एक एक करके मैं पहले 8th बता दूं, फिर उसके बाद अभी सबके नंबर ले रहा हूं, ठीक है ना बेटा? सचिन तू भी बोलना बेटा, तेरे को कौन सा नहीं आया है ना, क्योंकि तीन चार दिन नहीं भेजा है होमवर्क। पहले 8th की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8th क्या बोल रहा है बेटा बोलो। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE एक बोले ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इज अ साइड ऑन द, क्या बोला, इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये लो ये प्रोड्यूस है भाई ऊपर, आगे बोलो। एंड बी ई इंटरसेक्ट्स सी डी एट एफ, ये लो ये एफ का इंटरसेक्ट कर लो। शो ट्राइंगल ABE similar to triangle CFG. ठीक, दिख गया फिगर, दिख रहा है कि बाहर जा रहा है रेंज के, एक सेकंड थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अब ठीक है, फिगर दिख गया भाई गोविंद? हाँ सर, वो फिगर नहीं बन रही। अब देखो इसको आपको क्या प्रूव करना है, AB is similar to CFB बन गया ये रहा, AB is similar to CFB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। कौन सा एंगल है ये सर? वर्टिकली आपको। अरे पागल है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। लोग बताओ बेटा कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल। हाँ अल्टरनेट इंडिया एंगल, ये एंगल ये है, और दूसरा
दूसरा एंगल बोलिए एफ वाला, एफ वाला एंगल। तो फिर मेरे को तो ट्राइंगल ए बी ही प्रूव करना है बेटा, सिमिलर सी एफ बी के। सर एंगल ए और सी, एंगल ए और सी इक्वल होते हैं कि नहीं होते ये बताओ पहले तो मुझे। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल। फिर क्या दिक्कत आ रही थी इतनी देर? अब देखो एंड ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें किसी को दिक्कत है? फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया ट्राइंगल। देखो इसमें आ रहा है ई, इसमें आ रहा है आपका बी, इसमें आ रहा है ए, पहले लिख रहा हूं इधर सी, बचा कौन? बी, और इधर कौन बचा? एफ। क्या बोला था, कौन सा ट्राइंगल सिमिलर करना था बेटा? सर ए बी ई और सी एफ बी, एक ही बात है। ए ई बी लिखो या ए बी और ट्राइंगल ए बी ई, एक ही बात है। सी एफ बी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इसमें किसी को डाउट नहीं बेटा? ये सब समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। 1 to 10 में बेटा, 1 to 10 में किसी को भी डाउट है तो बोलो पहले। सची 1 to 10 में कोई डाउट नहीं सर? और 14 14 से पहले और कोई डाउट किसी को? नहीं सर। क्वेश्चन 7 7 चलो एक बार 7 देख लेते हैं बेटा। चलो 7 क्या है बेटा? सर altitude AD and CE of triangle ABC। एक मिनट एक मिनट, ट्राइंगल ABC इन्वर्टर, ट्राइंगल ABC। हाँ हाँ बोल बेटा क्या बोल रहा है? altitude AD and CE, AD and CE, ये लो CEO देख इधर देख ले CE, बोल आगे। Of triangle ABC intersect each other at point P. Point? P. T के B क्या? Sir P. अच्छा P ठीक है. So that the first triangle AEP is equal to triangle CDP. Equal मत बोल बेटा. Similar बोल. Sir triangle AEP is similar to, हाँ तो बेटा हो तो गया ये रहा, ये 90 डिग्री और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ये तो एन ट्राइंगल ए ई पी एन ट्राइंगल सी डी पी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी ईच 90 डिग्री, और एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी सी या डी पी सी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ए सिमिलर टी ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी ए ई पी, तो सी डी पी। कोई दिक्कत पहले वाला केस में? नो सर। सेकेंड वाला सर, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। ए कौन सा? ए बी डी, हाँ सर, सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। सी बी ई सी बी ई, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। अब देखो ए बी डी इधर बना लेना बेटा रफ में, ए बी डी को ए बी डी
ए बी डी और सी बी ई सी ई ई बी हो गया ये तो यार ये दोनों कॉमन है और एंगल डी और एंगल ई 90 डिग्री क्या दिक्कत आ रही बेटा इसमें ये तो दोनों का कॉमन एंगल है ये यहाँ 90 डिग्री है ये 90 डिग्री है पढ़ लेगा कि मैं करके लिख के बताऊं नहीं सर हो जाए सर वो फिगर में सर थोड़ा बना नहीं ऐसे बना लिया कर बेटा यहाँ डी 90 है तो ऐसे बना लिया कर सी डी बी रफ में बना लिया अगला और सर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी ए डी बी हाँ सर हो गया ना बेटा ये देख इधर ए ई पी में ये 90 डिग्री है और ए डी बी में ये 90 डिग्री है और ए तो कॉमन है ये दोनों में तो सिमिलर हुए ना ओके सर ये आया समझ हाँ सर आ गया सर ठीक है 14 बोलना बेटा और sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR. Take side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. So that triangle ABC is similar to triangle PQR. But a bahut achhi problem hai. Very, very important. Ab ye samajh lo beta sab 14. Isme dikkat aani chahiye sabko. Aapko given hai, pehle to given kya hai ye dekho aap. हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम यही गिवन है ना बेटा अब इसमें क्या होगा ये समझो इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगा बेटा कंस्ट्रक्शन क्या होगा जितना ए डी है उतना ही आप नीचे प्रोड्यूस करोगे तो वो मैंने इसी तक प्रोड्यूस किया और इसको मिला दोगे आप इसी तरह से जितना पी एम है उतना ही आगे प्रोड्यूस करोगे सपोज पी एम एन कर दिया और इसको मिला दिया ये समझना आया क्या ये दोनों इक्वल है ये प्रॉब्लम से ये कंस्ट्रक्शन समझना आया तो इसमें आप लिखोगे प्रोड्यूस्ड एडी टू ई सच दैट AD equal to D and produce PM to N such that PM equal to M यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को हाँ सर अब इसमें क्या करेंगे इधर समझना मैं ट्राइंगल दो ट्राइंगल को मैं अभी सिमिलर करने वाला हूँ भाई उधर एक सेकंड मैं इसको सेट कर दूँ ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर कर दूंगा एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी ए डी इक्वल टू डी By construction, angle ADB is equal to angle CDE, vertically opposite angle, and BD equal to DC. But BD equal to DC क्यों है? Because AD is the median. AD is median. ये समझ में आया कि ये वाला? ये समझ में आया क्या? हाँ सर. Yes sir. Wow. और तेरे को समझ में आया बेटा हाँ सर
भाई मैंने ए डी और डी तो कंस्ट्रक्शन से कर लिया, एंगल आपका पर्टिकुलर वो अपोजिट एंगल हो ही गया, और ए डी बी डी और डी सी आपस में इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई? तो भाई ऐसे है सिमिलरिटी, ऐसे है सिमिलरिटी ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी, ई डी सी। इसमें कोई डाउट? अब यदि ये सिमिलर है, यदि ये सिमिलर है समझना भाई, सिमिलर है तो कौन कौन से क्या क्या बोल सकते हैं हम? बोलो भाई क्या क्या बोल सकते हैं यदि ये दोनों सिमिलर है तो? एक तो बोल सकते हैं कि जो सी की वैल्यू है वो ए बी के इक्वल है। अरे सी की वैल्यू किसके इक्वल है? एंगल DEC इक्वल टू एंगल DAB, और ये वाला एंगल देखो सिमिलरिटी से हम ये बोल सकते हैं, एक तो ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, और दूसरा ये लेंथ आपस में इक्वल है, ये हम सिमिलरिटी से बोल सकते हैं। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोलो। हाँ सर। भाई एंगल ई जो बन रहा है आपका सी डी वो आपका एंगल बी ए डी के इक्वल होगा, और दूसरा आपका ये वाला। अच्छा ये हम कर क्यों रहे हैं उसका रीजन समझना है बेटा। एक्चुअल में क्या है, जो आपका ए डी आपका रेशियो तो गिवन था, ए डी का रेशियो तो आपको गिवन था भाई, आपका ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। तो हम क्या बोलेंगे इधर समझना, ए डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई सी इक्वल टू ए बी अपॉन ई सी। अच्छा ये तो हमारा इक्वल ही हो जाएगा ना, ए बी इक्वल टू ई ए हो जाएगा। ये एंगल इक्वल आ जाएगा आपका, एंगल वन इसके इक्वल आ जाएगा। एक सेकंड रुको, ये तो सिमिलरिटी थोड़ी हुआ, ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा। अपने सिमिलरिटी क्यों लिखना है? अरे ये तो कॉन्ग्रेंट हो गया, सिमिलरिटी थोड़ी हुआ, वही मैं सोचू क्या हुआ। ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EDC is congruent to triangle EDC. So CAB equal to C, AB equal to C आ गया भाई आपका। तो हमारा AB equal to C के इक्वल आ गया भाई। अभी बता रहा हूँ ये लेंथी है थोड़ी सी प्रॉब्लम। चलो तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ तक बोलो आपसे। बोलिए भाई। नहीं सर। यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको? अब इसी तरह सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, उधर वाला भी ऐसे कैसे ही होगा सेम भाई, उधर वाला भी सेम ऐसे कैसे ही होगा।
Similarly, triangle PMQ is congruent to triangle NMR. Is congruent to triangle NMR. तो यहां से भी हमारा इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा PQ is equal to NR. PQ equal to NR. ये PQ equal to NR के इक्वल आ गया. अभी बता रहा हूं कैसे कर रहे हैं, अभी सब समझना आ जाएगा आपको. PQ equal to NR. अब आपको गिवन क्या था, देखो गिवन अमन गिवन क्या था भाई, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. ये गिवन था बेटा. ए बी की जगह क्या, ए बी किसके इक्वल आ रहा है, अरे ए बी किसके इक्वल आया हमारा ईसी के इक्वल आया. पी क्यू किसके इक्वल आया, एनआर. पी क्यू किसके इक्वल आया, एनआर के. आया कि नहीं आया, तो मैंने एबी की जगह ईसी लिख दिया और पी क्यू की जगह एनआर लिख दिया, कोई दिक्कत. इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बेटा एडी को मैं ट्वाइस एडी लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, और ट्वाइस पीएम लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को. अभी सब समझा दूंगा, थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, इसे एक एक करके समझाना पड़ेगा बेटा. एडी को ट्वाइस एडी. हाँ बोल सर दोबारा बताते हैं. दो टू एडी बेटा टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऊपर नीचे. हाँ भाई वो तो कैंसिल हो जाएगा ना. टू एडी किसके इक्वल है, ये AD और ये दोनों इक्वल है, तो 2AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है. तो ये हो गया हमारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस, पूरा समझाना पड़ेगा आपको. EC upon NR is equal to AC upon PR equal to AE upon PN. AE upon PN हो गया. तो बेटा ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन बी है. पी एन आर आया कि नहीं आया, देखो ना. ई सी रेशो एन आर, ए सी रेशो पी आर, ए रेशो पी एन. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए, इधर वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए. यस सर. मैं इसको एंगल वन मान रहा हूँ और ये एंगल टू. तो बेटा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हुआ कि नहीं हुआ सिमिलरिटी से. एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हुआ कि नहीं हुआ सिमिलरिटी से. हाँ सर. सिमिलरली पूरा प्रोसेस दोबारा कर लिया. सिमिलरली एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर भी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा, पूरा वापस से दोबारा करेंगे. इधर मिलाएंगे, इन दोनों को करेंगे, सब कुछ मिला के. जैसे एंगल टू और एंगल वन और एंगल टू इक्वल आया, उसी तरह एंगल थ्री और एंगल फोर भी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो. यस सर. अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ. एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल फोर. बोलो एंगल वन प्लस एंगल थ्री क्या बन गया आपका, एंगल ए. अभी पूरा दोबारा समझाऊंगा, लेकिन एक बार पूरा ओवरव्यू देख लो पहले. एंगल ए हो गया और इधर क्या हो गया, एंगल पी. एंगल पी हो गया. इसका मतलब एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल आए कि नहीं आए. यस सर. अब एंगल ए और एंगल पी आपके आपस में इक्वल आ गए और हमको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर भी गिवन है आपको कि नहीं है. और ये एंगल और एंगल पी भी गिवन है, तो एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए. तो भाई ऐसे सिमिलरिटी
ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी पूरा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने बहुत समझाने के चक्कर में धीरे धीरे आपको ऐसा कर दिया। चलो मैं दोबारा वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, लेंदी है, लेकिन इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है बेटा, और आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, एक एक करके मेरे को समझाना पड़ेगा वो चीज। देखो चलिए दोबारा देखो, चलिए देखना बेटा। मैं छोटा ट्राइंगल बनाऊंगा थोड़ा, ताकि आपको क्या लिखने में ए बी सी अभी सेट कर देंगे भाई, सेट नहीं होगा तो पी क्यू आर, ये इसका मीडियन, ये इसका मीडियन गिवन है आपको ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी एंड पी एम आर मीडियम, ये हमें गिवन है। थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, यहाँ पर लिखेंगे गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी कॉमा पी एम आर मीडियंस ऑफ आर मीडियंस, बस इतना बहुत। इसमें कोई दिक्कत, अब मैं क्या करूँगा कंस्ट्रक्शन करूँगा, मुझे टू प्रूव ये लिख दो पहले, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट ए डी इक्वल टू डी जॉइन सी, सिमिलरली प्रोड्यूस्ड PM to N such that PM equal to MN join NR। यहां तक कोई डाउट है तो पहले यहां तक बोलो, एक एक करके, ये पहला पार्ट है हमारा, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, सबको क्लियर है यहां तक? आर्स बोल, तू बोल बेटा। बोल बेटा। क्लियर क्लियर है यहां तक? हाँ सर। और यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे चलें? यस सर। चलिए अब देखना ध्यान से बेटा, ये दोनों तो आपने इक्वल बोले और ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, और ये एंगल आपका इक्वल है। प्रूफ देखो इसका, इन ट्राइंगल ए डी ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ई एंगल ए डी इक्वल टू डी BD equal to angle ADB is equal to angle CDE, vertically opposite angle, ये by construction, और angle और BD equal to DC because AD is the medium, AD medium, तो ये तो बेटा equal है, तो ये क्या हो गया, congruency हो गई, so by SAS congruency, ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी ई ए डी बी ई डी सी, सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ई सी, ये आ गया हमारा ए बी इक्वल टू ई सी।
ये हमने कॉन्ग्रुएंसी से इसको सोल्व कर दिया, ए इक्वल टू ई सी आ गया। ये समझ में आया? बोलिए, ये ए इक्वल टू ई सी समझ में आ गया? यस सर। बताइए फर्स्ट बोल बेटा, यहां तक ए बी इक्वल टू ई सी समझ में आ गया? पची भाई, बाकी लोग बोलो, यहां तक समझ में आ गया कि सबको? हाँ सर। चलिए सिमिलरली, यस सर। अब देखना, सिमिलरली ट्राइंगल पी एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन एम आर। पी एम क्यू इज सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एन एम आर, सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एन आर। पी क्यू आपका एन आर के इक्वल आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? ये भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही होगा, ऐसे क्राइटेरिया से। ये देखो, ये देखो, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये एंगल इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी? यहाँ तक कोई दिक्कत? नाउ इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ बोलो भाई सब? ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन है आपको, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है। देखो ध्यान से, गिवन है कि नहीं है? अरे गिवन है कि नहीं है? यस सर। ए बी की जगह ए बी किसके इक्वल आया? तो ए बी की जगह ईसी रख दिया। और पी क्यू किसके इक्वल आया? एन आर। तो एन आर लिख दिया इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और यदि मैं इन दोनों को टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भाई ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस सर। अब देखो, ई सी अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। टू ए डी मतलब वो ए डी का डबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ए डी का डबल मतलब वो किसके इक्वल हो गया? क्या ए ट्वाइस ए डी ए डी? और ये किसके इक्वल हो गया बेटा? पी एम। तो ध्यान से देखो अब इस ट्राइंगल को, ए सी अपॉन पी आर EC अपॉन एन आर इक्वल टू AE अपॉन PM। तो ये कौन सा ट्राइंगल? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी, तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। कोई दिक्कत? अब मैंने इसको एंगल वन, इसको एंगल टू, इसको एंगल थ्री और इसको सॉरी एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री और एंगल फोर। तो बेटा एंगल वन और एंगल थ्री इक्वल है कि नहीं? इसका मतलब भाई सिमिलरिटी से एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री है कि नहीं है? यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो एंगल वन और एंगल थ्री इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अब जब पूरा प्रोसेस इधर की तरफ चलोगे आप, जब पूरा प्रोसेस दोबारा करोगे तो सिमिलरली एंगल टू भी एंगल फोर के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा। अब ऐड कर दो दोनों को, एंगल वन प्लस एंगल टू, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड ऐड कर दो। नाउ व्हाट इज एंगल वन प्लस एंगल टू? पूरा एंगल आया कि नहीं आया? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आया कि नहीं आया?
यस सर बस हो गया यस सर मेरे को यही तो चाहिए था नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर ये तो गिवन था हमारा और बीच का एंगल और मैंने प्रूव कर दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी तो बेटा ऐसे सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर तो बाई ऐसे सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर अब आया कि समझ में यही प्रूव करना था अब बोलो बेटा आप कोई डाउट हो तो इस वाली प्रॉब्लम नहीं ये इसका प्रूफ है इतना लेंदी करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास और तेरे को आ गया समझ में और बेटा समझ में आ गया क्या है क्या नहीं नहीं है क्या सची यस सर आ गया तेरे को समझ में यस सर और बोलना बेटा आवाज नहीं आ रही क्या क्या बताओ उसकी आवाज का क्या चक्कर है चलिए और कौन सा डाउट है और कोई डाउट और कोई डाउट बोलो सर क्वेश्चन 16 और इसके अलावा किसी को बेटा आज तेरी मेरी आवाज नहीं आ रही है तो लिख के बोल दे कोई डाउट हो तो लिख के बोल दे मेरी आवाज नहीं आ रही तो मतलब तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे तो लिख के बोल दे बेटा कोई डाउट हो तो 16 के अलावा किसी को कोई डाउट बेटा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करनी है सबको चार जनों ने भेजी एक तो सचिन ने भेजा है एक किसने भेजा था अर्श ने भेजा है नहीं सर कोई डाउट नहीं हो और एक और किसने भेजा था सर गोविंद हाँ गोविंद ने भेजा मतलब किसी ने भेजा है 3-4 जनों ने भेज दिया दो ने नहीं भेजा मुझे पता है सर मैंने भेज दिया जस्ट अभी अच्छा तेरा अभी भेज दिया लवी और किट्टू हाँ मैंने नहीं भेजा अभी तो मुझे पता है ना जब तो बोला लवी और किट्टू ने नहीं भेजा एक्सरसाइज 12 पॉइंट और जो भी है 6.3 बेटा भेजो यार ऐसा मत करो तो हाँ वो कल सुबह तक भेज दूँ क्या क्यों क्योंकि वो मेरा क्लास भी है अभी थोड़ी देर को हाँ तो कभी भी मेरे को तो कल क्लास से पहले भेजना है हाँ कल क्लास से पहले तो भेज दूँगा चलो भाई 16 बोलो क्या है If AD and PM are the medians of triangles ABC and PQR. ये लो, AD and PM are the median of triangle ABC and PQR. ठीक है? आगे बोलो. Respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR. क्या क्या? Prove करना है? नहीं सर, respectively where triangle ABC is similar to PQR. PQR. ठीक है. Prove that AB upon PQ is equals to AD upon PM. हाँ तो ये तो हो जाएगा बेटा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ये तो करवा भी चुका हूँ. तेरे को याद नहीं आ रहा करवा चुका हूँ मैं. कैसे करवाया था जब मैंने मीडियन का प्रूव करवाया था ना तुम्हें कि साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के इक्वल होता तब करवाया था मैंने. नहीं याद आ रहा मैंने करवाया था. चलो कोई बात नहीं दो हजार ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है
ट्राइंगल पी क्यू आर के, अभी तुम बोलोगे हाँ करवा दिया, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हाँ सर। अब देखना बेटा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर आपको गिवन है। BC को मैं ट्वाइस BD लिख दूं क्या, और इसको ट्वाइस QM लिख दूं क्या? क्यों AD and PM are median, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? सर। और एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है कि नहीं? अरे ये सिमिलर है तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है कि नहीं? हाँ सर। तो इससे क्या ट्राइंगल सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? एबीडी सिमिलर टू एसएस क्राइटेरिया से इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू है, बोलो। ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो ये रहा और ये एंगल मेरे को गिवन है ये, तो ऐसे एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? हाँ सर। और सिमिलर हो गए तो ये ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। पक्का कर लेगा? हाँ सर कर लूंगा सर। चलिए, और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी का? बोलिए बेटा। नो सर। ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई भैया, ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें एक अच्छी प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम और करवा देता हूँ, फिर कल से एरिया वाली प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। कल से एरिया वाली नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है वो बता दूं। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ ए पैरोग्राम, थ्रू द मिड पॉइंट एम of side CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L, intersecting AC in L and AD produced in E. AD produced in E. Prove that EL equal to 2BL. अब ये बोल रहा हूँ, अब समझते हैं भाई इसमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। अच्छी प्रॉब्लम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, देखो देखो। अब हम बोल रहे हैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, लेकिन क्या वो ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ। ए बी सी डी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, the line BM is drawn, ये BM is drawn intersecting AC in L, L and AD produced in E, intersecting AC in L and AD produced in E, ये दो AD produced in E,
समझ में आया, ये समझ में आया फिगर? बोलिए भाई, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ए सी को कट कर रही है लाइन एल पर और ए डी प्रोड्यूस इन, तो हमें प्रूव करना है जो ई एल है वो ट्वाइस ऑफ बी एल के इक्वल है। करें आप स्टार्ट, स्टार्ट करें? हाँ सर। पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा, इनको बी एम सी और ट्राइंगल सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट ही कर देंगे इनको, तो इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल सी डी डी एम ई डी एम ई बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं बोलो? बताइए कौन सा एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एम बी सी, एम बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसी को दिक्कत? नो सर। फिर एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है कि नहीं बोलिए? हाँ एंगल बी एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एम ई, कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल। तो डी ए और सी एम इक्वल टू एम डी ए कि नहीं? और बताया था ना एम इज द मिड पॉइंट, ये रहा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। कोई दिक्कत? नो सर। कौन सा क्राइटेरिया लगा कॉन्ग्रुएंसी का? एस ए एस। एस ए एस कहाँ लग गया बेटा, क्या कर रहा है? और कोई बताइए? ए एस। यस एस, तो भाई एस कॉन्ग्रुएंसी, एस कॉन्ग्रुएंसी बेटा, डबल एस कॉन्ग्रुएंसी होता ना एंगल एंगल साइड। ट्राइंगल डी एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम ई, डी एम या पहले इधर से ले लो ना, इस वाले ट्राइंगल से ले लो ज्यादा अच्छा। बी एम सी इज सिमिलर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एम डी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? तो बी सी किसके इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से बी सी किसके इक्वल हो गया? ई डी। बोलो, ई डी के इक्वल हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो इन ट्राइंगल बी एल सी एंड ट्राइंगल ए ई एल, दिख रहा है दोनों ट्राइंगल बी एल सी एंड ट्राइंगल ए ई एल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? हाँ सर। चलो दिख रहा है तो फिर एक काम कर, दो एंगल तो वापस से इक्वल है, वही एंगल एल बी सी इज इक्वल टू एल ई ए, वही आगे इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं? और बेटा एंगल बी एल सी इज इक्वल टू एंगल ए एल ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर? तो ट्राइंगल बी एल सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एल ए, कोई दिक्कत नहीं? बोलो बोलो बोलो। नो सर। दोनों सिमिलर, अब सिमिलर हो गए तो बी एल अपॉन ई एल
इक्वल टू बी सी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा? बी एल अपॉन ए एल इक्वल टू बी सी अपॉन ई ए होगा कि नहीं होगा? यस सर। नाउ बी एल अपॉन ई एल, बेटा बी सी आपका, चलो बी सी दिखा रहे हैं, दो ए को मैं ए डी प्लस डी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। अच्छा मैंने अभी प्रूव किया था बी सी किसके इक्वल है,